गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस क्लास। आई एम कविता गुप्ता, योर साइंस टीचर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है। बहुत आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है हमारी डेली लाइफ में भी, और इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है कि पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जब पास होते हैं तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और डिटेल में आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th क्लासेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। एटम होता है, उसके अंदर थ्री इस तरीके से होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, वो जब फ्री मूव करते हैं तो उन्हीं के मूवमेंट से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? टू टर्मिनल्स होते हैं, है ना। जो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है या वायर आप कहते हैं, उसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। आपने सेल, बैटरी देखी है, इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे टॉयज के अंदर, टॉर्च में, या बहुत जगह पे डले हुए होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स। बैटरीज होती है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा टू टर्मिनल्स होंगे, टू साइड्स होती है उसकी। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहाँ पास होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या है, कि केमिकल इफेक्ट होता है तो किस तरीके से उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स, है ना। मीन्स हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं या कोई भी मशीन्स होती है, मिक्सर आप कह सकते हो, वॉशिंग मशीन्स हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हमें किससे टच नहीं करना? वेट हैंड से, मीन्स गीले हाथों से हमें उसे टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इसीलिए अगर हमें हमारे हाथ गीले होंगे, वेट होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हमें क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या लग सकता है? जिसे हम बोलते हैं ना करंट लग जाता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है। इसीलिए गीले हाथों से हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना है। ओके, वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मे बी 7th में आप लोगों ने पढ़ी होंगे ये सब चीज़ें, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ऐसे मटीरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होकर आगे निकल जाती है, वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर्स। ओके, क्या कहलाएंगे वो? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से हीट के कंडक्टर्स होते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है मेटल्स होते हैं जो वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट उनमें पास हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होकर निकल सकती है। ओके, और नेक्स्ट क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं पुअर कंडक्टर्स, है ना। ये होते हैं गुड कंडक्टर्स, और जो पास नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं पुअर कंडक्टर्स, या इसे हम बोल सकते हैं इंसुलेटर्स। ओके, तो ये चीज है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें हम ले सकते हैं जो कोई भी मेटल, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है ना, ये सारे क्या होते हैं?
कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से इजीली करंट पास हो जाता है। बट प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, ये ऐसे चीजें हैं, मटेरियल हैं, जो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो, या रिपेयरिंग का जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑलवेज अपने हैंड्स में क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, रबर के ग्लव्स होते हैं उनके हाथों में। पैरों के अंदर क्या पहनते हैं, वो स्लीपर्स या कोई भी शूज, रबर के शूज पहने रहते हैं। तो वो इसीलिए पहनते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं हो या उन्हें शॉक नहीं लगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब भी वो काम करते हैं तो हमेशा अपने हाथों में या तो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, उनके जो पैरों में क्या होते हैं, हमेशा शूज होते हैं, और जो भी अप्लायंसेस, जो भी वो टूल्स काम में ले रहे हैं, जैसे टेस्टर होता है, टेस्टर में भी आपने देखा होगा उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर या तो रबर का उसके ऊपर कवर लगा होगा या प्लास्टिक के हैंडल होते हैं, तो वो इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। ओके, तो सेफ्टी के पर्पज से ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज अ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? 6 क्लास में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो ये चीज। टेस्टर बनाए जाते हैं, टेस्टर मीन्स होता है कि चेक करने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज को चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर एक मटेरियल से क्या बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रिक पूरा सर्किट तैयार किया जाता है, उसे हम कह सकते हैं कि ये टेस्टर है। टेस्टर मीन्स किसी भी चीज को चेक करने के लिए, किसी मटेरियल को चेक करने के लिए कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो वो हम उस टेस्टर को वहां पर काम में ले सकते हैं। ओके, इसमें नीचे देखिए यहां बनाया भी हुआ है, मैं बताती हूँ भी आपको। ये वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। However, so far we have used our tester to test materials which are in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. Okay, means ये समझ में आ गया आपको, conductors क्या होते हैं, insulators क्या होते हैं, poor conductors क्या होते हैं, ठीक है। Materials हमने इसमें examples भी आपको बता दिए हैं कि plastic, wood, rubber क्या होते हैं, insulators होते हैं, और जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे आपके किसमें आते हैं, कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें टेस्टर भी बताया हुआ है कि ये टेस्टर क्या है, गुड कंडक्टर और ये है पुअर कंडक्टर। देखो उसमें क्या बताया है, ये आपको ये टेस्टर है, एक दिख रहा है ना, ये टेस्टर है, ये वायर्स है, ये बल्ब है एक छोटा सा, और एक ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसका जो इसको देखिए यहाँ, इससे एक ये क्या है, एक टेस्टर है। टेस्टर में ये जो चीज होती है, ये पार्ट किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। जब वायर को ये पूरा एक सर्किट तैयार किया है ना, एक वायर को इसके यहाँ से एंड से जोड़ दिया, एक बल्ब से जोड़ दिया, फिर एक वायर को यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से पूरे पे रैप करके, और इस तरीके से कि पूरा क्या तैयार किया, एक सर्किट तैयार किया है, ठीक है। ये चेक कर लें कि अच्छे से जो वायर्स जो भी हम लगा रहे हैं वो लूज ना हो, एकदम टाइट अच्छे से उनको पैक कर दें, है ना, और कोई भी वायर खुला नहीं छोड़ना है हमें, पूरा एक सर्किट आपको दिख रहा है, कोई भी वायर ओपन नहीं है किसी भी जगह से, एक भी तार अगर हम यहाँ से एक भी वायर यहाँ से निकाल देंगे तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अभी कैसा है, ये क्लोज सर्किट है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा क्लोज सर्किट में ही पास होती है, या क्लोज या उसको कह सकते हैं कंप्लीट सर्किट, है ना। कंप्लीट कैसे है कि कोई भी तार वायर्स में लूज नहीं है, कोई भी ओपन नहीं है, ठीक है। दिख रहा है आपको सारे जो दो जो वायर्स के जो दोनों एंड है वो किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों एंड आपके यहाँ पर ये देखिए, ग्रीन वाला, रेड वाला भी एक यहाँ से और यहाँ से, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पूरा टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक सेल है, यहां से करंट पास होगा तो यहां आएगा, यहां से ये क्या है, मेटल है, मेटल भी इलेक्ट्रिक करंट को इसमें से पास होने देगा, इस वायर के थ्रू ये यहां आएगा, और जिससे क्या होगा, ये बल्ब कैसा जो हो जाएगा,
ग्लो होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, अगर ये बल्ब ग्लो हो रहा है इट मीन्स क्या पता चल रहा है कि ये सर्किट कंप्लीट है और ये जो मेटल है जो हमने इससे ज्वाइन किया है ये है कंडक्टर, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम। अब ये है, पहले हमने इसको यहाँ मेटल जो साइड है वहां से कनेक्ट किया था, अब हमने कहाँ से किया, ये प्लास्टिक वाली साइड से। ठीक है, इसमें तो हमने दिख रहा है बल्ब ग्लो हो रहा है, येलो कलर दिख रहा है ना इसमें, बट इसमें आपको नजर आ रहा है ये एकदम वाइट ही है, इट मीन्स ये ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, अब ये किससे जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं, इट मीन्स कि जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें से पास नहीं होने दे रहा, तभी ये एक वायर से दूसरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पा रही है और ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया। ये चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए जो सर्किट है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कोई भी वायर उसमें लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस भी पार्ट से हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं वायर्स को, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर एक वायर का एंड हम फ्री छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसमें वायर्स फ्री नहीं है बट हमने इसे किससे कनेक्ट किया, प्लास्टिक वाली साइड से, तो प्लास्टिक तो कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा। ओके, तो ये है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, पहेली एंड पूजो वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर, यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। ओके, मीन्स एक तरह से एडवाइस है ये कि जब भी आप कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमेशा किसका यूज करें, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करें। ये नहीं है कि जो डायरेक्ट आप के जो मेन सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वहीं से आप ज्वाइन करके वायर को और अपनी एक्टिविटी को करने लग जाए, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज का उसके अंदर करंट आता है। ठीक है, तो हो सकता है आप डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, तो इसलिए एडवाइस दी जाती है कि जो भी आप अपनी एक्टिविटीज़ करें उसके लिए इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करें, डायरेक्ट इन्वर्टर जनरेटर या अपने जो मेन जो लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की वहां से डायरेक्ट उस एक्टिविटीज़ को ना करें। ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक तो हमने जो बात की वो सॉलिड्स की बात की, मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, सब सॉलिड है। अब हम बात कर रहे हैं तो क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड में तो होता है, कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं, तो बट क्या लिक्विड्स के अंदर भी इस तरीके से होता है, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे वाटर है, कोई भी एसिड है, ऑयल है। ठीक है, तो क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्या, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ओके, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। ओके, मीन्स यही सेम टेस्टर हम उस लिक्विड के लिए भी काम में ले सकते हैं, विच वी मेड इन क्लास 6। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। ठीक है, लिक्विड के लिए भी हम ये सेम काम में ले सकते हैं, बट अब इसमें क्या बोला है कि उसमें हम क्या काम में ले रहे थे, सेल काम में ले रहे थे, इसमें हम क्या ले सकते हैं, बैटरी। बैटरीज मिलती हैं मार्केट में, छोटी छोटी बैटरीज भी मिलती हैं। ठीक है, तो वो भी हम इस चीज के लिए काम में ले सकते हैं। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, मीन्स जब भी हम टेस्टर का यूज करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी लिक्विड को कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो उससे पहले हमें ये चेक करना भी जरूरी है कि जो टेस्टर हम काम में ले रहे हैं वो सही है या नहीं, वो वर्किंग है या नहीं है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें है कि ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो टेस्टर के जो दोनों एंड्स हैं उनको एक बार हल्के से टच करके फिर देखिए कि क्या बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर हो रहा है इट मीन्स टेस्टर ठीक है आपका, अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स टेस्टर में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया वायर लूज हो सकते हैं उसके, कोई भी एंड फ्री हो सकता है। ठीक है, या मे बी जो आप तो बीच में काम में ले रहे हो मटेरियल वो कैसा हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर। उससे क्या हो जाएगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड द बल्ब शुड ग्लो। बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट है। बल्ब ग्लो हो रहा है इट मीन्स ये
टेस्टर वर्किंग है. However, if the bulb does not glow, अगर बल्ब नहीं होता है, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reasons? क्या हम बता सकते हैं क्या क्या reasons हो सकते हैं? Is it possible that the connections are loose or the bulb is fused? ये भी हो सकता है, maybe कि बल्ब ही फ्यूज हो, आप जो बल्ब काम में ले रहे हैं वो बल्ब ही फ्यूज हो, वो ग्लो ही ना हो. और your cells are used up, और जो सेल हम काम में ले रहे हैं वो भी maybe हो सकता है कि पहले से काम में लिए हुए डेड सेल्स हैं. ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है. चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट. इफ दे आर, देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब. नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट. इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल्स. ओके, तो सारी पॉसिबिलिटीज को हमें चेक करना है, वायर्स को चेक करना है, बल्ब को चेक करना है, सेल्स को भी चेक करना है. उसके बाद हम ये देख लेंगे कि हमारा टेस्टर वर्किंग है या नहीं है. ओके, तो टेस्टर को काम में लेने से पहले हमें इन सब चीजों को चेक करना जरूरी है. नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. ओके, नाउ हमारा टेस्टर क्या हमने देख लिया, पूरा वर्किंग है, अच्छे से काम कर रहा है. तो अब हम उसे अलग अलग लिक्विड्स के लिए काम में ले सकते हैं चेक करने के लिए कि वो दोनों वर्किंग है, सॉरी वो लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर. ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं, हम लिक्विड्स को चेक कर रहे हैं अलग अलग कि कोई लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, देखिए कैसे है इसमें क्वेश्चन, ये और चेक कर लीजिए. वाइल चेकिंग योर टेस्टर, डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री हैंड्स फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली. ओके, मीन्स जब हम चेक करने जा रहे हैं, टेस्टर को हम चेक कर रहे हैं, तो ये नहीं है दोनों एंड्स को हमने छोड़ के ज्वाइन करके छोड़ दिया बहुत देर के लिए, क्योंकि जितनी देर हम उसे बार बार टेस्ट करेंगे उतनी ही जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी, है ना. तो ये हमें बहुत एकदम एक सेकेंड या दो सेकेंड के लिए हमें ये चेक करके बस एक बार देखना है, हल्का सा ज्वाइन करके और हटा लो वायर को कि हाँ ये टेस्टर वर्किंग है. ओके, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स. ओके, क्या है एक्टिविटी इसमें, देखिए कि कुछ आपको प्लास्टिक या रबर के कुछ कैप्स लेने हैं, बॉटल्स के कैप, ढक्कन जिसे हम कहते हैं, जो खराब हो चुकी हैं बॉटल्स उनके, एंड क्लीन दैम, उन्हें अच्छे से क्लीन करना है. पॉर वन टीन स्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन वन कैप. एक कैप के अंदर हमें क्या रखना है, या तो विनेगर या लेमन जूस, कोई भी हम उसके अंदर भर सकते हैं. ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इन टू लेमन जूस. Okay. टेस्टर के जो दोनों एंड है उन्हें हमें कहाँ लगाना है, उसके अंदर डिप करना है लेमन जूस के अंदर. इन डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर एट शोन इन फिगर 11.2. टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर. डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये पूरा एक टेस्टर है, ये भी टेस्टर, वही जो टेस्टर है, ये बीच में बल्ब लगा हुआ है ना, ये है हमारा सेल या बैटरी. इसमें जो आपको ये दिख रही है ना बिग लाइन, ये वाली लॉन्ग वन, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस स्मॉल लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, इसमें पूरा सेल नहीं दिखाया है, इस तरीके से इसको लाइनिंग से शो किया है. तो जो बड़ी लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, तो ये सेल या बैटरी है. ठीक है, और ये क्या है, बल्ब है, है ना, और ये है वो लिक्विड. इस तरीके से ये लिक्विड है, पूरे एक कैप के अंदर फिल है, लेमन जूस है या विनेगर भी आप ले सकते हैं, कुछ भी. और ये वायर्स है. ठीक है, एक वायर यहाँ बल्ब से बैटरी से कनेक्ट होकर इसमें डिप, एक एंड इसमें डाल दिया और दूसरा भी. ये पहले हमने इसको किससे टच किया था, टेस्टर से. आपको ध्यान है ये दोनों वायर हमने टेस्टर में लगाए थे, एक बार प्लास्टिक वाली साइड से और एक बार मेटल वाली साइड से. अब हमें सॉलिड को चेक नहीं करना, अब हमें लिक्विड को चेक करना है. तो अब हमने ये दोनों वायर्स लिक्विड के अंदर डिप कर दिए. अगर ये लिक्विड क्या है, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से, इस लिक्विड से करते हुए, पास होते हुए दूसरे वायर में जाएगी और यहां से ये बल्ब ग्लो हो जाएगा. अगर ये लिक्विड कैसा है, कंडक्टर है,
और हो सकता है ये लिक्विड कंडक्टर नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स सर्किट कैसा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आया? ये वायर इस वायर से देखिए डायरेक्ट टच में नहीं है, नहीं है ना। अगर हम इसको बाहर निकालकर इन दोनों वायर्स को ही टच कर दें तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें हमने डाला, देखिए दोनों वायर्स आपस में टच नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, इन्हें अलग अलग ही रखना है, दूर दूर रखना है। तो ये दोनों किसके किसके थ्रू कनेक्ट है, इस लिक्विड के थ्रू दोनों आपस में कनेक्ट है। अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से होकर पास हो जाती है दूसरे वायर में, इट मीन्स ये कंडक्टर है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, इट मीन्स ये इंसुलेटर है। तो ये जो लिक्विड है ये ही इन दोनों वायर्स को आपस में टच ज्वाइन करने का काम करेगा, ठीक है ना, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है हमारा सर्किट, ठीक है। लेकिन लेमन जूस और विनेगर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि एसिड्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रही थी। अगर जो टेस्टर है वो जो लिक्विड है वो पास होने दे रहा है अगर इलेक्ट्रिक करंट को, इट मीन्स जो सर्किट है वो हमारा कैसा है, कंप्लीट है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, करंट फ्लो हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. Okay? Means, अगर करंट पास हो रहा है, कंडक्टर है, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, वो पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट है, इट मीन्स सर्किट कैसा है, ये कंडक्टर है। और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, इंसुलेटर है। ओके, इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीजन। ओके, मीन्स ये कह रहे हैं कि ये लिक्विड तो कंडक्टर हो सकता है, बट हो सकता है उसके बाद भी ये बल्ब ग्लो नहीं हो। ये जो हमने अभी एक्टिविटी किया 14.2 में, अभी तो बल्ब ग्लो हो रहा है, मे भी हो सकता है कि बल्ब ग्लो ना हो। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो क्या है, बहुत कम हो पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास है वो बहुत कम है, तो वो उसके जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसको गर्म नहीं कर पा रहा। बल्ब ग्लो कब होता है, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ये आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा 6th या 7th में। बल्ब के अंदर बीच में एक वायर जैसा आप देखते होंगे फिलामेंट होता है, वो गर्म होता है और वो हीटअप होके एकदम रेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो बल्ब है वो हमें ग्लो होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसके फिलामेंट को गर्म कर रहा है और उसको ग्लो होने में हेल्प कर रहा है। हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम पास है तो भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम कर सकते हैं, इस बल्ब की जगह हम एलईडी जो लाइट्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एलईडीज होती हैं उन्हें ग्लो होने के लिए बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो उसकी जगह, बल्ब की जगह हम एलईडी लाइट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो डू यू रिमेम्बर वेयर द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मीन्स बल्ब ग्लो क्यों होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे फिलामेंट हीट होता है, गर्म होता है, तो वो ग्लो होने लग जाता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर करंट बहुत वीक है, मीन्स बहुत कम है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, और सर्किट करंट वीक क्यों हो सकता है, वेल दो अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मैटर, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट कम हो, तो कम क्यों हो सकता है, क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं है बहुत अच्छा कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे से उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं, ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है कि ये बल्ब उसमें भी ग्लो ना हो। ओके,
So as a result, the circuit of a tester may be complete and yet the current, though it may be too weak to make the bulb glow. हो सकता है सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हमारा कंडक्टर है, बट फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, बहुत वीक है. तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया एलईडी लाइट्स भी यूज कर सकते हैं. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट. ओके, इसकी जगह क्या हम एक दूसरा टेस्टर भी तैयार कर सकते हैं जो ये वीक करंट को भी क्या करे, डिटेक्ट करे. यानी कि अगर बहुत छोटा सा, बहुत लिटिल अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो भी क्या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये नेक्स्ट जो टेस्टर है वो किस तरीके से बना सकते हैं क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ओके, अभी जो मैंने बस आपको पढ़ाया है ये चैप्टर के अंदर, जितना भी ये पेज मैंने, दो पेज आपको पढ़ाए हैं, तो इन्हें अच्छे से रीड करना. ओके, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये टेस्टर बनाया हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बल्ब कब ग्लो होगा कब नहीं होगा, कंप्लीट सर्किट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से एक बार उसको रीड कर लेना. ओके, सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.